नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, क्या आप Amazon, Flipkart, Paytm और Snapdeal जैसे e-commerce marketplace पर ऑनलाइन सेल करते हो? अगर हाँ तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कोई भी e-commerce सेलर खुद से अपनी GST रिटर्न कैसे फाइल कर सकता है। देखिए, किसी भी e-commerce सेलर को हर महीने GST पोर्टल के थ्रू 3 रिटर्न फाइल करनी होती है। पहली GSTR 1, दूसरी GSTR 3B और तीसरी TCS रिटर्न। और मैंने देखा है मैक्सिमम e-commerce सेलर GST रिटर्न को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी परेशानी दूर होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आप खुद से ही GSTR 1, GSTR 3B और TCS रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, GST रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, इस प्रोसेस को हम सिस्टम पर चलकर समझे। इससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि GST रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सेल्स डेटा चाहिए और परचेस डेटा चाहिए। अब e-commerce के केस में सेल्स डेटा तो वही है जो आप Flipkart और Amazon जैसे मार्केटप्लेस पर ऑनलाइन सेल कर रहे हो, तो वो डेटा तो आपको इन मार्केटप्लेसेस के थ्रू मिलने ही वाला है। अब रही बात परचेस डेटा की, तो परचेस डेटा को गैदर करने के लिए एक तो आपके पास सभी परचेस इनवॉइसेस होनी चाहिए, जो बेसिकली प्रोडक्ट आप Flipkart, Amazon या और मार्केटप्लेसेस पर सेल कर रहे हो वो कहीं से परचेस भी तो करते होगे, तो आपके पास वो सभी परचेस इनवॉइस होनी चाहिए। साथ ही साथ जिन मार्केटप्लेस पर भी आप ऑनलाइन सेल करते हो तो वो आपका कमीशन भी कट करते हैं, तो वो आपको हर महीने कमीशन इनवॉइस भी देते हैं, तो आपको उन परचेस इनवॉइस के साथ ये कमीशन इनवॉइस मार्केटप्लेस से मिल जाएंगी। तो बस आइए अब सिस्टम पर चलते हैं GST फाइलिंग के पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए। दोस्तों, मैंने Flipkart सेलर पैनल में लॉगिन कर लिया है और सेलर पैनल में लॉगिन करने के बाद इधर मेन्यू ऑप्शन में रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन आता है, उसके अंडर आता है रिपोर्ट सेंटर। मैं इस पर क्लिक करता हूं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं ये पेज ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद इधर आता है क्रिएट न्यू रिपोर्ट करके, मैं इस पर क्रिएट न्यू रिपोर्ट करता हूं और रिपोर्ट टाइप में मैं टैक्स रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर उसके बाद रिपोर्ट सब टाइप हमें सेलेक्ट करनी है, तो इधर मैं सेल्स रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूं। अब क्योंकि हम अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम डेट रेंज में अप्रैल वाला जो मंथ है वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो इधर अप्रैल 1 से अप्रैल 30 तक आ गई है डेट। फिर उसके बाद मैं इधर फाइल टाइप .xlsx है और इधर मैं जनरेट कर लेता हूं। जैसे ही मैं जनरेट करता हूं तो बेसिकली ये रिपोर्ट फाइल जो है क्यूड हो गई और थोड़ी देर में ये डाउनलोड वाला ऑप्शन इधर आ जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स, हमें एक और रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करनी होती है, तो दोबारा मैं क्रिएट न्यू रिपोर्ट करता हूं और उसके बाद रिपोर्ट टाइप में इधर मैं करता हूं इनवॉइसेस इस बार, और इनवॉइसेस के नीचे रिपोर्ट सब टाइप में मैं करता हूं कमीशन इनवॉइस, और कमीशन इनवॉइस में भी डेट रेंज ये पूछता है, तो अगेन हमें अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल करनी है, तो इसलिए हमें अप्रैल मंथ का ही कमीशन इनवॉइस चाहिए। तो इधर जो पीरियड है उसमें मैं अप्रैल वाला मंथ सेलेक्ट कर लूंगा, तो अप्रैल 1 से अप्रैल 30 तक की डेट इधर आ जाएगी। और इधर फाइल टाइप जो है वो जिप फाइल है, तो इसे मैं जनरेट कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने जनरेट कराया तो ये क्यूड हो गई और थोड़ी देर में डाउनलोड वाला ऑप्शन जो है वो विजिबल हो जाएगा, फिर हम इन फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे। जब तक ये प्रोसेसिंग हो रही है इधर मैं अमेज़न पे भी आ जाता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अमेज़न सेलर सेंट्रल में लॉगिन कर लिया है और उसके बाद इधर देखिए मेन्यू ऑप्शन में ये ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स वाला, और रिपोर्ट्स के अंदर ये ऑप्शन आता है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी वाला। जैसे ही मैं टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली यही वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये पेज ओपन हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले इधर हमें जाना होता है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट में। जैसे ही मैं मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट में जाता हूं तो देखिए इधर आता है डाउनलोड लेटेस्ट मंथ रिपोर्ट अप्रैल, मतलब क्योंकि अभी मई चल रहा है तो अमेज़न वालों को पता है कि ज्यादातर सेलर अभी अमेज़न पे जो आएंगे वो अप्रैल मंथ की ही रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए डिमांड करेंगे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ऊपर हेडिंग में ही लिख दिया है डाउनलोड लेटेस्ट मंथ रिपोर्ट अप्रैल। और मार्केट प्लेस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, तो इधर दो रिपोर्ट आ रही है, B2C रिपोर्ट और B2B रिपोर्ट, हमें दोनों ही रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करनी होती है। तो मैं इधर B2C रिपोर्ट पर करता हूं तो देखिए डाउनलोड हो गई है मेरी सिस्टम में। इसी तरीके से मैं B2B रिपोर्ट भी करता हूं तो ये भी डाउनलोड हो जाएगी मेरे सिस्टम में। लेकिन क्योंकि इधर आप देख सकते हो कोई भी B2B ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है अप्रैल मंथ में, तो इधर आ रहा है सॉरी यू डोंट हैव एनी रिपोर्ट अवेलेबल फॉर द करंट सिलेक्शन, इस वजह से इधर ये चीज आ गई है। अब हमारे पास सिर्फ B2C रिपोर्ट ही है, B2B रिपोर्ट नहीं है अमेज़न के केस में, और Flipkart के केस में तो B2B रिपोर्ट होती ही नहीं है, सिर्फ B2C रिपोर्ट ही होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए एक चीज और मैं इधर बता दूं, इधर लिख रहा है डाउनलोड रिपोर्ट फॉर प्रीवियस मंथ, तो अभी तो ये अप्रैल मंथ का डेटा था, अगर आपको किसी प्रीवियस मंथ का डेटा भी करना है, किसी की रिपोर्ट बेसिकली निकालनी है, तो जैसे इधर आ रहा है मार्च 2021, फरवरी 2021, तो इधर आप B2C रिपोर्ट सेलेक्ट करके डाउनलोड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो बेसिकली
फरवरी मंथ की B2C रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से मैं B2B रिपोर्ट करूंगा तो B2B रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको अमेजन में ये मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट में जाके ये B2C और B2B रिपोर्ट जो है अप्रैल मंथ की डाउनलोड कर लेनी है। फिर उसके बाद आप दोबारा से इधर आ जाइए और रिपोर्ट सेक्शन में दोबारा से टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे आ जाइए और उसके बाद आपको इधर आना है सेलर फी इनवॉइसेस में। जैसे हमने अभी फ्लिपकार्ट में कमीशन इनवॉइस की थी, ऐसे इधर भी हमें कमीशन इनवॉइस करनी है अमेजन में। तो देखिए इधर काफी सारी कमीशन इनवॉइस आ गई है, लेकिन ये सभी मंथ्स की अवेलेबल है इधर। हमें सिर्फ अभी क्योंकि हमें अप्रैल की GST रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अप्रैल की हमें इनवॉइस चाहिए, तो इधर स्टार्ट डेट और एंड डेट जो अप्रैल मंथ की होगी वही सारी हमें कमीशन इनवॉइस चाहिएगी। तो देखिए इधर ये पहली तीन जो फाइल्स हैं अप्रैल 1 से अप्रैल 30, अप्रैल 1 से अप्रैल 30, अप्रैल 1 से अप्रैल 30, उसके बाद ही मार्च 1 से मार्च 31 है, तो ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसका काम हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। हमें सिर्फ अप्रैल वाली पीरियड की चाहिए। तो मैं इसे पहले व्यू करता हूं, इसे भी व्यू करता हूं और तीसरी वाली फाइल को भी व्यू करता हूं और इन तीनों ही फाइल को जो है अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेता हूं। तो ये सेव कर लेता हूं, ये भी सेव कर लेता हूं और ये भी सेव कर लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अमेजन में तो जो जो फाइल्स हमें डाउनलोड करनी थी बेसिकली हमने कर चुके हैं। मैंने आपको बता दी अमेजन में एक तो हमें कमीशन करनी थी, एक B2B करनी थी, एक B2C करनी थी। B2B कोई है ही नहीं अप्रैल मंथ की, कमीशन वाली हमने तीनों फाइल्स कर ही ली हैं और B2C वाली हम कर ही चुके हैं। इसी तरीके से फ्लिपकार्ट में हमने ये जो क्यूड की थी इसको अब रिफ्रेश करते हैं एक बार। जैसे ही हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो अभी भी ये क्यूड ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स इधर डाउनलोड वाला ऑप्शन आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो जब तक वो डाउनलोड वाला ऑप्शन आता है हम इसके आगे के प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी इधर जीमेल आईडी ओपन है, मैं इधर से अपनी बेसिकली गूगल ड्राइव पे चला जाता हूँ और गूगल ड्राइव पे जाने के बाद इधर हम एक शीट क्रिएट कर लेते हैं, गूगल शीट। तो इधर मैंने गूगल शीट जो है वो क्रिएट कर ली है, तो ये गूगल शीट जो है ओपन हो गई है। तो इस गूगल शीट को हम रीनेम कर देते हैं और इसको नेम दे देते हैं GST कॉम्प्यूटेशन। तो ये बेसिकली रीनेम कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हमें मल्टीपल शीट्स बनानी होंगी, तो सबसे पहले हम शीट बना लेते हैं सेल्स की, नेक्स्ट शीट बना लेते हैं परचेज की। ठीक है। अब फ्रेंड्स अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इधर आप सेल्स में आ जाइए और सेल्स में आने के बाद फ्रेंड्स इधर आपको ना कुछ कॉलम्स बनाने होंगे, तो मैं उन कॉलम्स की हेडिंग्स लिख ले रहा हूं और अभी आप प्लीज एक बार आप देखते जाइए, पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इधर पहले कॉलम में आपको लिखना है मार्केट प्लेस, नेक्स्ट में आपको लिखना है इनवॉइस नंबर, नेक्स्ट में आपको लिखना है इनवॉइस डेट, नेक्स्ट में आपको लिखना है क्लाइंट नेम, नेक्स्ट में आपको लिखना है GSTN, नेक्स्ट में आपको लिखना है पीरियड, नेक्स्ट में आपको लिखना है फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट में आपको लिखना है नेचर, नेक्स्ट में आपको लिखना है ट्रांजैक्शन टाइप, नेक्स्ट में आपको लिखना है डेस्टिनेशन, नेक्स्ट में आपको लिखना है HSN कोड, नेक्स्ट में आपको लिखना है क्वांटिटी, नेक्स्ट में आपको लिखना है टैक्सेबल अमाउंट, नेक्स्ट में आपको लिखना है रेट, नेक्स्ट में आपको लिखना है IGST, नेक्स्ट में आपको लिखना है CGST, नेक्स्ट में आपको लिखना है SGST, नेक्स्ट में आपको लिखना है इनवॉइस अमाउंट और नेक्स्ट आपको लिखना है TCS। तो फ्रेंड्स ये सभी कॉलम्स जो है आपको क्रिएट करने हैं। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, सेंट्रलाइज कर देता हूं और इधर ये ड्रॉप कर देता हूं इसे, ताकि ये जो हेडर है वो फिक्स रहे, और इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूं। तो इस तरीके से हमारा जो है ये हो गया है। अब फ्रेंड्स अब आ जाते हैं परचेज वाले में, परचेज में भी हमें कुछ कॉलम्स बनाने होंगे। इधर मैं बना लेता हूं पार्टी नेम, नेक्स्ट लिखना है नेचर, नेक्स्ट लिखना है GSTN, नेक्स्ट लिखना है इनवॉइस नंबर, नेक्स्ट लिखना है डेट, नेक्स्ट लिखना है फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट लिखना है मंथ, नेक्स्ट लिखना है टैक्सेबल अमाउंट, नेक्स्ट लिखना है IGST, नेक्स्ट लिखना है CGST, नेक्स्ट लिखना है SGST, नेक्स्ट लिखना है टोटल अमाउंट और नेक्स्ट लिखना है एज पर GSTR 2A और
टू बी, इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, सेंट्रलाइज कर देता हूँ, इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ और इसका जो हेडर है वो फिक्स कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने दो शीट्स बनाई हैं सेल्स और परचेज की और दोनों में हमने हेडर रो लिख दिए हैं। अब इसी के नीचे हमें अलग अलग कॉलम्स में डेटा जो है वो फिल करना है। तो सबसे पहले इधर मैं सेल्स में आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर भी डाउनलोड वाला ऑप्शन जो है वो आ गया है। तो अब मैं एक एक करके दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लेता हूं। तो पहले मैंने सेल्स रिपोर्ट को डाउनलोड कर लिया है और फिर मैंने ये कमीशन इनवॉइस को भी डाउनलोड कर लिया है। तो ये डाउनलोड हो गए हैं दोनों फाइल्स। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप एक बार ये डाउनलोड्स वाले सेक्शन में चले जाइए जहां भी आपकी सभी फाइल्स डाउनलोड हुई हैं। और देखिए आप देख रहे हो कि जो XLS फाइल, जो XLSX एक्सटेंशन में मतलब एक्सेल फाइल और PDF फाइल है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ZIP फाइल है उनको पहले आप एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो इधर मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया है। इसी तरीके से कि B2C रिपोर्ट जो हमने अमेजन से की थी वो भी ZIP फाइल में हुई थी, उसे भी हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। और आप चाहो तो इस ZIP फाइल को जो है डिलीट कर सकते हो। इसको भी मैंने डिलीट कर दिया है और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया है। तो फ्रेंड्स हमने दोनों ZIP फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन फाइल्स को डिलीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये पांच फाइल्स और एक फोल्डर है जो कि हमने बेसिकली अमेजन और फ्लिपकार्ट से डाउनलोड किया है, इसको कॉपी करके मैं इधर डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और डेस्कटॉप में एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अप्रैल डॉक्यूमेंट्स, और अप्रैल डॉक्यूमेंट्स के अंदर बेसिकली इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने सारा डेटा एक जगह ही इकट्ठा कर लिया है। अब इसी फोल्डर को हम बेसिकली अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इधर ड्राइव पे आ गया और ड्राइव पे बेसिकली क्या करना है, सीधे सीधे फोल्डर अपलोड करना है। इधर मैं डेस्कटॉप पे आ गया और डेस्कटॉप पे आने के बाद अप्रैल डॉक्यूमेंट्स वाला जो फोल्डर है वो अपलोड कर देंगे। तो ये अप्रैल डॉक्यूमेंट्स करा और ये फोल्डर अपलोड कर दिया। तो फ्रेंड्स ये अप्रैल डॉक्यूमेंट्स वाला जो फोल्डर है वो अपलोड हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये अप्रैल डॉक्यूमेंट्स वाला जो फोल्डर है वो अपलोड हो गया है। मैं इसे ओपन करता हूँ और इसे ओपन करने के बाद देखिए ये एक फोल्डर आ गया और ये पांच जो हैं वो फाइल्स आ गई हैं। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फ्लिपकार्ट की सेल्स रिपोर्ट वाली फाइल जो है वो ओपन करनी है। तो बेसिकली ये है फ्लिपकार्ट की सेल्स रिपोर्ट वाली फाइल, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो देखिए ये फ्लिपकार्ट की जो सेल्स रिपोर्ट वाली फाइल है वो ओपन हो गई है और आप इधर इधर तीन शीट्स आ रही हैं, हेल्प, सेल्स रिपोर्ट और कैशबैक रिपोर्ट। सबसे पहले आपको आना है इधर सेल्स रिपोर्ट में, और सेल्स रिपोर्ट में आने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसका जो थोड़ा सा लेआउट है वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको इस शीट में कुछ भी नहीं करना, आपको तो बस इस शीट में से डेटा को कॉपी पेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स ये सेल्स रिपोर्ट फाइल में चार कॉलम्स जो हैं, ये प्रोडक्ट टाइटल, FSN, SKU और HSN कोड, मैं इन चारों ही कॉलम्स को हाइड कर रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियरली समझा सकूं। तो देखिए अब इस तरीके से ये सेल्स रिपोर्ट फाइल आ गई है। अब हमें बेसिकली इस शीट के हिसाब से एक एक हर एक कॉलम में डेटा फिल करना है। तो मार्केट प्लेस को अभी हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले आता है इनवॉइस नंबर, तो आप इनवॉइस नंबर वाले कॉलम पे आ जाइए। तो इनवॉइस नंबर इधर लिख रहा है, इधर आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ये आ रहा है बायर इनवॉइस आईडी। तो सबसे पहले आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और पहले वाले सेल के डेटा को हटा दीजिए, और इस पूरे डेटा को कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स आप इधर आके इनवॉइस नंबर में पेस्ट कर दीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जब भी इधर पेस्ट करेंगे हर बार पेस्ट वैल्यूज ओनली ही कीजिएगा। तो देखिए ये सारे इनवॉइस नंबर जो है वो कॉपी हो गए हैं। अब इधर आप मार्केट प्लेस में भी फिल कर सकते हो फ्लिपकार्ट, और इसको आप ड्रैग कर सकते हो जहां तक हमारे सारे इनवॉइस नंबर आ गए हैं। तो ये मैंने मार्केट प्लेस वाला कॉलम भी फिल कर लिया है। अब नेक्स्ट आता है इनवॉइस डेट, तो इधर इनवॉइस डेट वाला हम कॉलम देख लेते हैं। तो देखिए ये आ रहा है बायर इनवॉइस डेट, लेकिन इस डेट का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा प्रॉपर नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मेट सही करना होगा। इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और इधर फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आ जाइए, और इधर ये नंबर की जगह आप डेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए इसका फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल सही हो गया है। अब दोबारा से पूरे कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और पहले वाले कॉलम को हटा दीजिए, और इधर कॉपी करके इधर आप कर देंगे इनवॉइस डेट में पेस्ट स्पेशल पेस्ट वैल्यूज ओनली। तो ये मैंने डेट भी कॉपी कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स बेसिकली ये सेल्स रिपोर्ट फाइल हमने अप्रैल की फ्लिपकार्ट से निकाली है, और इस सेल्स रिपोर्ट फाइल के बेसिस पर हमने अपनी जो GST कंप्यूटेशन में सेल्स वाली शीट में डेटा जो है हम एंटर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है क्लाइंट नेम।
तो बेसिकली क्योंकि हमें पता है फ्लिपकार्ट में हमारी सारी इन्वॉइसेस B2C हैं, तो क्लाइंट नेम में हम NA फिल कर देंगे। इसी तरीके से क्योंकि B2C इन्वॉइस है तो GST नंबर भी नहीं होगा कोई कस्टमर का, तो इधर भी हम NA फिल कर देंगे। पीरियड हमें पता है अप्रैल मंथ का है, तो इधर हम अप्रैल फिल कर देंगे। फाइनेंशियल ईयर हमें पता है 2021-2022 है, इधर हम वो फिल कर देंगे। और नेचर हमें पता है B2C है, तो हम B2C फिल कर देंगे। और बेसिकली फ्लिपकार्ट की सभी इन्वॉइसेस के लिए ये पांचों कॉलम बिल्कुल कॉमन होने वाले हैं, तो मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ और इसको नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने बेसिकली पेस्ट कर दिया है। क्लाइंट नेम में NA, GSTN में NA, पीरियड में सारा अप्रैल का डेटा है, फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 हो गया, नेचर में B2C हो गया। अब नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन टाइप। तो ट्रांजेक्शन टाइप में हमें कौन सा कॉलम इधर फिल करना है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इधर आता है एक इवेंट टाइप, आपको इवेंट टाइप वाला जो कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लेना है। इस पहले सेल को मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको कॉपी करके इधर से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने ट्रांजेक्शन टाइप भी लिख लिया है। अब नेक्स्ट आता है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में बेसिकली कैसे करना है आपको, इधर एक आता है डेस्टिनेशन, देखिए ये आ गया कस्टमर डिलीवरी स्टेट। तो इधर भी आप इस कॉलम को कॉपी कर लीजिए, इधर पहले वाले सेल को हटाइए और इधर से इसे पेस्ट कर दीजिए। इधर पेस्ट वैल्यूज ओनली कर लेते हैं फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट आता है HSN कोड। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैंने जो HSN कोड वाला कॉलम है वो हाइड कर दिया है, तो अभी आप इधर डमी पर्पस के लिए, आपको दिखाने के पर्पस के लिए इधर मैं कोई भी डमी HSN कोड जो है वो डाल देता हूँ। तो ये मैंने तीन अलग अलग HSN कोड ले लिया और इन्हीं को मैं बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इधर मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, आपको HSN कोड अपनी फाइल के हिसाब से फिल करना है। ये जस्ट मैं डेमो पर्पस के लिए इधर मैंने HSN कोड कुछ भी फिल कर दिया है। फिर उसके बाद आता है क्वांटिटी। तो देखिए इधर क्वांटिटी वाला कॉलम भी होगा, ये रहा क्वांटिटी वाला कॉलम, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, पहले वाले सेल को हटा दो, कॉपी करो और इधर से पेस्ट कर दो। तो बस आपको एक जगह से दूसरी जगह डेटा पेस्ट करना है और पेस्ट में हमेशा पेस्ट वैल्यूज ओनली करना है। फिर आता है टैक्सेबल अमाउंट। अब टैक्सेबल अमाउंट देखिए इधर कौन सी होती है, टैक्सेबल अमाउंट ये होती है टैक्सेबल वैल्यू ब्रैकेट में लिख रहा है फाइनल इनवॉइस अमाउंट माइनस टैक्सेस। तो बेसिकली ये है आपकी टैक्सेबल वैल्यू, इसको भी कॉपी करो, पहले वाले सेल को हटाओ, कॉपी करो और कॉपी करने के बाद इधर हम पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट वैल्यूज ओनली कर देते हैं। इसी तरीके से अब रेट हमें कॉपी करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर जब आप रेट देखोगे तो रेट में थोड़ा सा पंगा है। रेट में पंगा ये है कि देखिए अगर इंटर स्टेट का ऑर्डर होगा तो IGST लगेगा और सेम स्टेट का ऑर्डर होगा तो CGST SGST लगेगा, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन आप देखिए हमारी वाली शीट में तो सिर्फ एक ही कॉलम है रेट का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इधर देखिए IGST रेट ये रहा, CGST रेट ये रहा और SGST रेट ये रहा। तो आप इधर क्या करोगे, इधर एक कॉलम इंसर्ट करके लेफ्ट में इंसर्ट कर लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद बेसिकली आप IGST रेट प्लस CGST रेट प्लस SGST रेट वाले कॉलम का प्लस कर दीजिएगा इधर, और प्लस करने के बाद इसी फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप नीचे तक करेंगे कॉपी पेस्ट, तो इधर सबका रेट आ जाएगा। फिर दोबारा से आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है और पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद इधर आप पेस्ट वैल्यूज ओनली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है IGST। तो अब आपको IGST वाला अमाउंट कॉपी करना है, तो IGST वाला अमाउंट कॉलम यह आ गया, इसे कॉपी करता हूँ। इसे कॉपी करने के बाद मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है CGST। इसी तरीके से मैं CGST वाले अमाउंट को भी कॉपी करता हूँ, इसे हटाकर फर्स्ट सेल के डेटा को इधर पेस्ट कर देता हूँ। फिर आ गया इधर SGST। तो SGST वाले केस में भी इधर SGST वाले कॉलम को सेलेक्ट करके ये फर्स्ट सेल को रिमूव करके इसके डेटा को कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट वैल्यूज ओनली कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए इधर आता है इनवॉइस अमाउंट। तो इनवॉइस अमाउंट हमें पता है क्या होना चाहिए, इनवॉइस अमाउंट हमारा होना चाहिए टैक्सेबल अमाउंट प्लस IGST प्लस CGST प्लस SGST। मतलब जहाँ पे IGST होगा वहाँ CGST SGST जीरो होगा, जहाँ पे CGST SGST होगा वहाँ पे IGST जीरो होगा। तो हम इन चारों को प्लस कर देंगे तो हमारा इनवॉइस अमाउंट आ जाएगा। और बेसिकली TCS में क्या फिल करना है, तो TCS में आपको फिल करना है जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब इधर मैंने सेलेक्ट कर लिया M2 सेल इंटू 0.01, उसका 1%। तो इधर इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 0.01 से। तो जैसे इधर 736.44 टैक्सेबल अमाउंट है, तो TCS हो गया 7.3644 और इसको बेसिकली मैं 2 decimal places तक मूव कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरा 2 decimal places तक आ गया है। और बेसिकली यही इनवॉइस अमाउंट का फॉर्मूला और TCS का फॉर्मूला मुझे इधर कॉपी करके इधर मैं नीचे तक ड्रैग करके इसे पेस्ट कर देता हूँ।
तो फ्रेंड समझ में आया। अब बेसिकली फ्लिपकार्ट ने हमें जो सेल्स रिपोर्ट दी थी और उसमें इतना सारा कुछ दिया था उसको बेसिकली हमने समराइज कर दिया और हमने अपने जीएसटी फाइलिंग के हिसाब से जो जो डेटा हमें इंपॉर्टेंट लगा वो डेटा हमने निकाल लिया है और एक जगह इकट्ठा कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा फ्लिपकार्ट का काम अब इधर फिनिश हो गया है सेल्स का डेटा का। अब हम क्या करेंगे इसके नीचे अमेज़न का डेटा भी कॉपी करेंगे। तो इधर मैं कुछ रोज़ जो है वो ऐड कर देता हूँ और इधर अब मैं अमेज़न पे आ जाता हूँ। तो देखिए इधर मैं आ गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स आप दोबारा अप्रैल डॉक्यूमेंट्स में आ जाइए और ये अमेज़न की जो B2C अप्रैल वाली रिपोर्ट थी इसे ओपन कर देंगे। आपको पता ही है कि जब हमने अमेज़न में डेटा डाउनलोड किया था तो B2B की कोई इन्वॉइस नहीं थी, इसलिए सिर्फ B2C वाली ही इन्वॉइस है। तो इसे भी मैं गूगल शीट के थ्रू ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए ये अमेज़न की B2C रिपोर्ट जो है वो ओपन हो गई है। अब देखिए इधर भी काफ़ी सारे कॉलम्स हैं लेकिन मैं इधर कुछ कॉलम्स हाइड कर दे रहा हूँ। आइटम डिस्क्रिप्शन वाला, आसिन वाला और HSN वाला और SKU वाला, ये चार कॉलम्स जो है वो हाइड कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने हाइड कर दिए हैं। अब आ जाते हैं वापस से उस शीट पे। देखिए सबसे पहले इधर मार्केट प्लेस है तो मार्केट प्लेस को अभी छोड़ देते हैं, फिर आता है नेक्स्ट इनवॉइस नंबर। तो इधर देखिए सेकंड कॉलम में ही आ रहा है इनवॉइस नंबर, इसको पूरे को सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट वाले कॉलम को हटा दीजिए, कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद आप इसी के नीचे जो है डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए पेस्ट वैल्यूज ओनली। तो ये हमारा इनवॉइस नंबर जो है वो कॉपी हो गया है। और इधर मार्केट प्लेस में अब आप फिल कर दीजिए अमेज़न और इधर अमेज़न को आप ड्रैग कर दीजिए जहाँ तक आप इनवॉइस नंबर आपके आ रहे हैं। तो बेसिकली इनवॉइस नंबर यहाँ तक आ रहे हैं तो बाकी आप अमेज़न हटा दीजिए। तो ये देखिए इधर तक इनवॉइस नंबर आए और इधर तक हमने मार्केट प्लेस वाला जो कॉलम था वो भी फिल कर दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं इनवॉइस डेट। तो इनवॉइस डेट में फिर फ्रेंड्स इधर भी डेट का फॉर्मेट आप देख सकते हो, इसमें डेट और टाइम दोनों आ रहे हैं लेकिन हमें टाइम से मतलब नहीं है, सिर्फ डेट से मतलब है। तो इसे आप दोबारा से इधर आप फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाओगे और इधर आप डेट सेलेक्ट कर लोगे तो बेसिकली ये डेट फॉर्मेट आ जाएगा। इसको पहले सेल को रिमूव करके इसको कॉपी करोगे और बेसिकली इधर आके आप इसे पेस्ट कर दोगे। तो इधर मैंने पेस्ट वैल्यूज ओनली कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है क्लाइंट नेम। अब क्योंकि मैंने आपको बताया ये B2C इनवॉइसेस हैं तो अगेन क्लाइंट नेम NA आएगा, GSTN NA आएगा, पीरियड में अप्रैल ही आएगा, फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 आएगा और नेचर B2C ही आएगा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसी को बेसिकली एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये मैंने ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, इसको हटा देता हूँ। तो ये हो गया है हमारा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन टाइप। अब ट्रांजेक्शन टाइप में दोबारा से आप इस रिपोर्ट में आ जाइए, देखिए ट्रांजेक्शन टाइप करके ये आ गया कॉलम, इसको आप कॉपी कीजिए, इधर पहले सेल के डेटा को हटा दीजिए और फिर इधर कॉपी करने के बाद आप इधर इसे पेस्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में फ्रेंड्स कैसे करना है, इधर आप आगे इस शीट में बढ़ोगे तो इधर आता है शिप टू स्टेट, इसी वाले कॉलम को आपको बेसिकली कॉपी पेस्ट करना है। तो शिप टू स्टेट वाले कॉलम को इधर मैंने सेलेक्ट किया, पहले वाले सेल का डेटा हटा दिया, कॉपी किया। आप समझ रहे हो ना इधर पहले वाली सेल का मैं डेटा क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि पहले वाली सेल में बेसिकली हेडर है। अगर मैं पहले वाले सेल का भी डेटा कॉपी करूंगा तो शिप टू स्टेट करके भी हमारा एक जो रो है वो आ जाएगी, इस वजह से मुझे वो नहीं चाहिए, हमें सीधे जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है वही चाहिए। तो इधर मैंने इसे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इधर मैं इसे पेस्ट स्पेशल पेस्ट वैल्यूज ओनली कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है HSN कोड। तो इधर HSN कोड में भी हम फिल कर देंगे, जैसे मैंने उधर डमी वैल्यूज भरी थी ऐसे ही सेम डमी वैल्यूज में इधर भी फिल कर देता हूँ। तो ये मैंने फिल कर दिए है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्वांटिटी। तो देखिए क्वांटिटी वाला जो ऑप्शन कहाँ है, इधर क्वांटिटी वाला भी ऑप्शन होगा। तो देखिए ये आगे क्वांटिटी वाला कॉलम, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए क्वांटिटी वाले कॉलम को, फिर इधर पहले सेल के डेटा को हटा दीजिए और फिर उसके बाद आप इसे इधर पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट वैल्यूज ओनली कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट में जाकर फिर आप दोबारा से इधर आ जाइए। देखिए अब इधर टैक्सेबल अमाउंट कौन सा होता है, देखिए ये वाला अमाउंट होता है टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस। बेसिकली इस रिपोर्ट में जो टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस करके ये कॉलम है यही हमारा टैक्सेबल अमाउंट है। तो आप इसे पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए और पहले वाली सेल के डेटा को हटा दीजिए और इसे कॉपी करने के बाद आप इधर पेस्ट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई वैल्यू पेस्ट कर रहे हो तब तो खास तौर पर आपको ध्यान रखना है कि पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट वैल्यूज ओनली ही करना है। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है जब आप ये फाइल्स को डाउनलोड करते हो तो इसका कोई फॉर्मेट अलग होता है और अगर आप डायरेक्ट पेस्ट कर दोगे तो हो सकता है वो आपकी कंप्यूटेशन में गलत कैलकुलेशन कर दे, इसलिए आपको हमेशा पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ही करना है। फिर नेक्स्ट आता है रेट। अब रेट का इधर कॉलम का है, देखिए ये रहा CGST रेट, SGST रेट और IGST रेट। तो इधर भी हम क्या करेंगे, एक इंसर्ट करेंगे लेफ्ट और आप देख सकते हो इधर बेसिकली इधर थर्ड वाले में आ रहा है 0.18। इधर हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इधर हमें CGST का रेट कॉपी करना पड़ेगा, SGST का कॉपी करना पड़ेगा, IGST का कॉपी करने के बाद इनटू 100 भी करना पड़ेगा क्योंकि इधर 0.18 करके आ रहा है तो हमें 18 चाहिए ना कि 0.18 चाहिए। तो मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ।
इसी को मैं पहले पूरे कॉलम तक पेस्ट कर दिया इसी फॉर्मूले को, और अब मैं क्या करता हूँ इधर इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इस डेट को भी इधर पेस्ट कर दिया है। फ्रेंड्स आपको ये डेटा बहुत ध्यान से कॉपी पेस्ट करना है, अगर बिल्कुल भी ऊपर नीचे डेटा हो गया, मतलब किसी पर्टिकुलर इन्वॉइस नंबर के आगे किसी और इन्वॉइस नंबर का डेटा आ गया, तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन सारी गलत होती चले जाए। इसलिए आपको ये डेटा बहुत ही ध्यान से कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि इसी डेटा के ऊपर अब आपके आगे का सारा काम होने वाला है। इसी वजह से आपको ये डेटा जो है बहुत ही ध्यान से कॉपी पेस्ट करना है। नेक्स्ट आता है IGST। तो IGST में आपको कौन सा देखिए यार, CGST टैक्स, SGST टैक्स, IGST टैक्स। तो इधर आप IGST टैक्स वाले कॉलम को इधर सेलेक्ट करोगे, पहले वाले सेल को हटा दीजिए, कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद इधर आप पेस्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है CGST टैक्स, CGST में भी ये पहले वाले डेटा को हटा दीजिए, कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद आप इधर इसे पेस्ट कर दीजिए। और फिर नेक्स्ट आता है SGST टैक्स, इसे कॉपी कीजिए और इसे भी पेस्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स इधर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे मैंने आपको अमेजन का इधर टैक्सेबल अमाउंट इस वाले कॉलम से कॉपी पेस्ट करके दिखाया था टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस से, तो आपको करना तो यही वाला कॉलम कॉपी है, लेकिन मैं जिस सेलर के डेटा पे कंप्यूटेशन कर रहा हूँ वो बेसिकली अमेजन पे अपने प्रोडक्ट पर जो है शिपिंग चार्जेस चार्ज नहीं करता है, इस वजह से इधर हम डायरेक्टली ये वाला कॉलम कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया है। लेकिन अगर आप शिपिंग चार्जेस भी चार्ज करते होंगे तो उस केस में आपको टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस और इधर जो टैक्सेबल शिपिंग अमाउंट है इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस में। फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं था, फ्लिपकार्ट में क्योंकि आपने देखा ही था फ्लिपकार्ट में इधर टैक्सेबल अमाउंट सारा आ गया था, फाइनल इनवॉइस अमाउंट माइनस टैक्सेस, लेकिन इधर हमारा जो अमाउंट है उसमें शिपिंग चार्जेस नहीं है। तो अगर आप नहीं करते शिपिंग चार्जेस चार्ज तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप शिपिंग चार्जेस अमेजन में करते हैं चार्ज तो आपको टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस के अलावा ये वाला कॉलम भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब आपको इधर एक कॉलम बना लेना पड़ेगा जिसमें आपको पहले टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस और शिपिंग अमाउंट का जो टैक्सेबल अमाउंट है उन दोनों को ऐड करके फिर आपको इधर पेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो रैंडमली चेक भी कर सकते हो, जैसे मैं पर्टिकुलर कोई भी एक इनवॉइस नंबर उठा लेता हूं, जैसे मैंने इसका उठा लिया तो इसका मैंने टैक्सेबल अमाउंट लिया और इसका मैंने IGST ले लिया, तो इसका IGST और टैक्सेबल अमाउंट का टोटल 900 आ रहा है, और इस पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर का जो टोटल 900 ही होगा तो हमारा सही है। लेकिन अगर हमारा 900 नहीं, कुछ ज्यादा या कम है तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है। तो आप फ्रेंड्स अगर बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये सब कंप्यूटेशन कर रहे हो तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कोई गलती हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, एक बार मैंने IGST, CGST, SGST कर लिया, उसके बाद आपको इधर इनवॉइस अमाउंट और TCS वाला ये कॉलम है, इधर हम फॉर्मूला ऑलरेडी लगा चुके हैं, इसको आपको ड्रैग करना है। तो फ्रेंड्स बस अब हमने सारा डेटा जो है एक जगह इकट्ठा कर लिया है, इधर हमने मार्केट प्लेस वाइज पहले फ्लिपकार्ट का डेटा लिख दिया और फिर उसके बाद अमेजन का डेटा लिख दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम है हमारा इधर परचेज वाली शीट में डेटा एंटर करना। तो परचेज वाली शीट में डेटा एंटर करने के लिए सबसे पहले आप दोबारा से इधर आ जाइए, और इधर आने के बाद आपको सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट के जो इनवॉइस है उनका डेटा एंटर कर लेते हैं। तो देखिए फ्लिपकार्ट के हमारे कुछ इन्वॉइसेज आ रहे हैं, कमीशन इन्वॉइस, आपको पता होगा ये फ्लिपकार्ट में जिप फाइल थी जो हमने एक्सट्रैक्ट की थी, तो उसमें इतनी सारी फाइल्स आ गई हैं। तो बेसिकली इतनी सारी कमीशन इनवॉइस कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। फ्लिपकार्ट हर महीने हमें दो इनवॉइस देता है, एक कमीशन इनवॉइस होती है और एक शिपिंग इनवॉइस होती है, जो भी शिपिंग चार्जेस लेता है उसका अलग इनवॉइस होती है। तो कमीशन इनवॉइस और शिपिंग इनवॉइस दो अलग अलग इनवॉइस होती हैं, तो इनवॉइस टोटल दो होती हैं। लेकिन जो पुराने महीने में फ्लिपकार्ट में इनवॉइस दी होती है उसके बाद जो भी हमें रिटर्न वगैरह आते हैं उस वजह से हमें उन इनवॉइस के अगेंस्ट क्रेडिट नोट भी मिल जाता है। तो बेसिकली इधर दो इनवॉइस तो इस मंथ की होंगी जो कि अप्रैल मंथ की हैं, और कुछ इनवॉइसेस पुराने मंथ का क्रेडिट नोट होंगी, तो इसलिए हमें सारी इनवॉइस कंसिडर करनी पड़ेंगी जब हम अपनी अप्रैल की GST पर वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स इधर मैं पहले सबसे पहले एक इनवॉइस ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो देखिए जैसे ये आ रहा है कमीशन और टैक्स इनवॉइस, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको बस इधर इस शीट पे आ जाना है GST कंप्यूटेशन वाली शीट पे, और इधर आप पार्टी नेम लिखोगे फ्लिपकार्ट, और आप देखोगे बेसिकली फ्लिपकार्ट कर्नाटका की तरफ से इनवॉइस आई है, तो उस केस में आप इधर क्या कर दोगे फ्लिपकार्ट कर्नाटक, और उसके बाद आप इधर नेचर में लिख दोगे परचेज, और इधर GSTN में आप क्या लिख दोगे GSTN में वही GSTN लिख दोगे जो इधर मेंशनड है। तो इधर आप कॉपी कर दीजिए GSTN नंबर और इधर पेस्ट कर दीजिए, और फिर नेक्स्ट आता है इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर में आपको कौन सा इनवॉइस नंबर लिखना है, इनवॉइस नंबर में आपको लिखना है ये वाला इनवॉइस नंबर, इसे आप कॉपी कर दीजिए, और कॉपी करने के बाद आप इसे पेस्ट कर दीजिए। और फिर नेक्स्ट आता है डेट, तो डेट आता है बेसिकली 34/20/21, इसे भी आप कॉपी कर दीजिए और इधर पेस्ट कर दीजिए।
फिर नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ईयर, तो ये हमें पता ही है 21-22 है, मंथ हो गया अप्रैल। टैक्सेबल अमाउंट, अब टैक्सेबल अमाउंट बेसिकली इधर लिखी रहती है, तो ये हमारी टैक्सेबल अमाउंट हो गई, तो इधर आप लिख लीजिए 61075.20। नेक्स्ट है IGST, IGST है 10993.47, और इस तरीके से CGST ज़ीरो हो गई, SGST ज़ीरो हो जाएगी, और टोटल अमाउंट अगेन वही टैक्सेबल अमाउंट प्लस IGST प्लस CGST प्लस SGST। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे हमें कॉलम फिल करने हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप सारे इनवॉइसेस को फ्लिपकार्ट और अमेजन के ओपन कर लोगे और इस परचेज वाले शीट में एंट्री कर दोगे। तो फ्रेंड्स अब मैंने इधर फ्लिपकार्ट और अमेजन की कमीशन इनवॉइस के हिसाब से सारा डेटा जो है वो फिल कर दिया है, जैसा मैंने आपको फर्स्ट रो में दिखाया था। एक चीज मैं इधर आपको बता दूं कि जो फ्लिपकार्ट की तरफ से क्रेडिट नोट इशू होगा वो हमारे एंड पे नेचर में डेबिट नोट आएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने हमें क्रेडिट नोट इशू किया है तो हमारे एंड पे वो डेबिट नोट होगा, और इस वजह से हम टैक्सेबल अमाउंट IGST CGST और SGST में उसकी वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि ये बेसिकली हमारे लिए परचेज रिटर्न है, तो इधर हम जो है नेगेटिव में वैल्यूज लेंगे। इधर मैंने टैक्सेबल अमाउंट IGST CGST और SGST जो है वो नेगेटिव में ले लिया है। इसी तरीके से अमेजन के भी दो परचेज इनवॉइस थे और एक डेबिट नोट था, तो इसका डेबिट नोट भी हम नेगेटिव में ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैंने जो सारा डेटा है वो फिल कर दिया है। अब फ्रेंड्स इसके अलावा अगर और भी आपके पास जो परचेजेस होंगी, ऑब्वियसली ये तो मैंने सिर्फ अमेजन और फ्लिपकार्ट की इधर परचेज का डेटा फिल किया है, लेकिन जो भी आप प्रोडक्ट सेल करोगे अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, उसकी परचेज इनवॉइस भी आपके पास होंगी, तो उसका डेटा भी आप इधर फिल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ABC पार्टी से मटेरियल परचेज किया है, तो आप इधर ABC मटेरियल, उसका GST नंबर, उसका इनवॉइस नंबर, जिस डेट को भी परचेज किया है, फाइनेंशियल ईयर यही आ जाएगा, अप्रैल मंथ का आप ट्रैक कर रहे हो तो अप्रैल मंथ की सारी इनवॉइसेस आप इधर ले सकते हो, उसका टैक्सेबल अमाउंट जो भी हो, जो भी उस पर IGST CGST और SGST एप्लीकेबल हो, आप वो इधर लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको जो है ये परचेज जो शीट है वो पूरी कंप्लीट फिल कर लेनी है। सेल्स रिपोर्ट में इधर हमने अमेजन और फ्लिपकार्ट का इधर हमने ये सेल्स डेटा तो ले लिया, लेकिन इसके बाद हमें इधर एक और डेटा लेना होता है। अगर आप इधर आ जाओगे इस वाली रिपोर्ट में, तो इधर एक सेल्स रिपोर्ट के साथ में कैशबैक रिपोर्ट भी आती है, तो हमें ये डेटा भी बेसिकली उसमें फिल करना होता है। तो मैं आपको इधर बता देता हूँ, इसी के नीचे हम इसका डेटा फिल कर लेते हैं। तो जैसे मैं इधर आ गया, तो इधर सबसे पहले जो कॉलम आता है, तो इधर सबसे इधर मार्केट प्लेस को अभी मैं इग्नोर कर देता हूँ, सबसे पहले है इनवॉइस नंबर। तो इधर इनवॉइस नंबर में मैं आपको बताता हूँ, इधर ही आ रहा है क्रेडिट नोट आईडी और डेबिट नोट आईडी, तो आप इसको इधर कॉपी किया और इधर पेस्ट वैल्यूज ओनली कर दीजिए। इसी तरीके से इधर नेक्स्ट कॉलम है इनवॉइस डेट का, तो इधर ये आ गया इनवॉइस डेट, सबसे पहले इसका डेटा जैसे हमने उधर किया था, इसका भी डेटा आप कर लीजिए डेट फॉर्मेट में, फिर उसके बाद इधर इसका डेटा कॉपी करके इसे पेस्ट कर दीजिए, फिर इधर ये सब जो है सेम रहेगा, तो इसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इधर मैं फ्लिपकार्ट लिख देता हूँ, फिर इधर नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन टाइप, तो ट्रांजैक्शन टाइप देखिए ये आएगा जो कि इधर लिख रहा है डॉक्यूमेंट सब टाइप, तो इधर डॉक्यूमेंट सब टाइप वाले को कॉपी कर दीजिए और इधर इसे पेस्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में इधर देखिए आ रहा है कस्टमर डिलीवरी स्टेट, इसे कॉपी कर दीजिए और कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है HSN कोड, तो आप इधर HSN कोड फिल कर सकते हैं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर इसे पेस्ट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट आ रहा है क्वांटिटी, तो इधर क्वांटिटी में फ्रेंड्स इधर क्वांटिटी वाला ऑप्शन जो है वो मिसिंग है, तो क्वांटिटी वाला ऑप्शन आप इन ऑर्डर आईडी के हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन मैं इधर अभी 11 ही कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। मतलब इधर कुल मिला के इधर क्वांटिटी वाला जो कॉलम है वो मिसिंग है, तो इधर लेकिन ऑर्डर आईडी मेंशन है, तो इस ऑर्डर आईडी से आप क्वांटिटी फाइंड आउट करके जो भी क्वांटिटी है आप इधर लिख सकते हो। आप बेसिकली इधर ये कॉलम क्रिएट कर लीजिएगा ऑर्डर आईडी के नेक्स्ट में क्वांटिटी का, और इधर क्वांटिटी आप ऑर्डर आईडी से फ्लिपकार्ट पैनल पे एक बार चेक कर लीजिए और इसके आगे क्वांटिटी लिख लीजिएगा और क्वांटिटी वाले कॉलम को इधर से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है टैक्सेबल अमाउंट, तो टैक्सेबल अमाउंट इधर से ये आ गया टैक्सेबल वैल्यू, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इधर पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट आता है रेट, तो जैसा फ्रेंड्स हमने उधर किया था बिल्कुल सेम हम इधर भी कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है IGST, तो इधर IGST वाले कॉलम से IGST अमाउंट भी कॉपी कर लेता हूँ।
फिर नेक्स्ट आता है CGST, इधर CGST वाले कॉलम से CGST अमाउंट कॉपी कर लेता हूँ, और नेक्स्ट आता है SGST, तो इधर SGST वाले अमाउंट से SGST वाला जो डेटा है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इधर इनवॉइस अमाउंट और TCS वाला जो कॉलम है वो मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो बस फ्रेंड्स, अब हमारा जो है एक ही जगह सारा सेल्स का और परचेज का डेटा जो है इकट्ठा हो गया है। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको भी अपने केस में सेल्स और परचेज का डेटा एक जगह इकट्ठा कर लेना है। कुछ सेलर कहेंगे कि अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म पे भी सेल करते हैं, तो जैसे मैं कहूँ अगर आप मीशो पे सेल करते हो तो मीशो का इधर पूरा डेटा लिख दीजिए, अगर आप पेटीएम पे सेल करते हो तो पेटीएम का पूरा डेटा लिख दीजिए, अगर आप स्नैपडील पे सेल करते हो तो स्नैपडील का भी इसी तरीके से इस पर डेटा लिख दीजिए। इसी तरीके से जो भी सारे परचेजेस होंगे वो सारे लिख दीजिए। इसके अलावा जो भी आपके ऑफलाइन सेलर से परचेज आपने किया होगा प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऑनलाइन, उसकी डिटेल भी आप इधर लिख सकते हो। इसके अलावा एक चीज और फ्रेंड्स, जैसे अभी आप मैंने आपको बताया कि अमेजन में सिर्फ B2C इनवॉइस ही थी, फॉर एग्जांपल अगर अमेजन में कोई B2B इनवॉइस भी होती तो आपका बेसिकली इसी तरीके से जैसे आपने ये लिखा है यही तरीके से ट्रांजेक्शन होता, लेकिन इधर बेसिकली B2C की जगह B2B होता, और इधर क्योंकि B2B है तो इधर सामने वाली पार्टी का जो भी GST नंबर है वो GSTN नंबर होता, और इधर जो भी क्लाइंट का नेम है तो इधर वो क्लाइंट का नेम भी होता। मतलब अगर B2B इनवॉइस होगी तो बाकी सब कॉलम तो सेम रहेंगे, लेकिन आपको इन तीन कॉलम में जैसे आपने इधर क्लाइंट नेम में NANA करा था क्योंकि B2C इनवॉइस थे, GSTN में NANA करा था क्योंकि B2C इनवॉइस थे, लेकिन B2B इनवॉइसेस में ये वाला डेटा आ जाएगा। इसी तरीके से नेचर में भी B2B इनवॉइस वाले में इधर हमें B2B मेंशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको डमी पर्पस के लिए इधर एक इनवॉइस हम रहने देते हैं B2B वाला, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इधर मैंने B2B के लिए एक डमी इनवॉइस रहने दिया है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इधर करते हैं GSTR1 एनालिसिस। इधर हम दो शीट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, और एक हम कर देते हैं GSTR3B एनालिसिस। तो पहले हम इधर 3B एनालिसिस पे ही आ जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा काम हो चुका है और अब होगा जादू। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें बस काम जो करना था इधर डेटा इकट्ठा करना था, अब जो काम है बहुत आसान है। अब इधर हमें क्या करना है, इधर हमें पाइवट टेबल क्रिएट करना है। तो इधर डेटा वाले ऑप्शन में पाइवट टेबल वाला ऑप्शन आता है, और इधर डेट रेंज इधर सेलेक्ट करने को बोलता है। तो इधर आपको डेट रेंज में इधर आप सेलेक्ट करोगे तो इधर आप ये डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप इधर सेल्स वाले उस पर आ जाइए, सेल्स वाली शीट पे बेसिकली हमारा A1 से डेटा स्टार्ट हो रहा है और 1991 वाली रो तक जा रहा है, और S कॉलम बेसिकली लास्ट है। तो A1 से S1991, तो बिल्कुल यही हमारा जो है डेट रेंज है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद न्यू शीट या एग्जिस्टिंग शीट, हमें एग्जिस्टिंग शीट पे ही करना है, और कहाँ से हमें पाइवट टेबल शुरू करना है, इधर से पाइवट टेबल शुरू करना है। तो आप देख रहे हो पाइवट टेबल में तीन चीज पूछ रहा है, पहले तो रेंज हमने सेलेक्ट कर ली सेल्स वाली शीट में A1 से S1991, फिर कौन सी शीट में, इसी शीट में करना है एग्जिस्टिंग शीट, और कौन सी कौन से वाले सेल से, तो इस वाले सेल से फिर हम क्रिएट कर देते हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स, इधर रोज में हम सेलेक्ट कर लेंगे मार्केट प्लेस, और वैल्यूज में इधर सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले करेंगे टैक्सेबल अमाउंट, फिर हम सेलेक्ट करेंगे IGST, फिर हम सेलेक्ट करेंगे CGST, फिर हम सेलेक्ट करेंगे SGST, फिर हम सेलेक्ट करेंगे इनवॉइस अमाउंट, और फिर हम सेलेक्ट करेंगे TCS। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर हमने एक जगह सेल्स का डेटा इकट्ठा किया, और हमें एक पाइवट टेबल क्रिएट करने से उसकी पूरी समरी मिल गई, जो कि हमें GSTR3B जब हम फाइल करेंगे जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब इधर टोटल शो कर रहा है कि अमेजन पे हमारी कितनी सेल हुई है और फ्लिपकार्ट पे हमारी कितनी सेल हुई है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टोटल IGST कितनी है, टोटल CGST कितनी है, और टोटल SGST कितनी है। इसी तरीके से फ्रेंड, GSTR3B में हमें बेसिकली हम इधर क्या करते हैं, एक इधर कॉलम बना देते हैं, और इधर बेसिकली इसको कलर करके इसे मर्ज कर देते हैं, और मर्ज करने के बाद इधर हम लिख देते हैं टोटल आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर हम क्या करते हैं, इसे हम सेंटर में कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, इधर हम एक और पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। तो देखिए इधर हम क्या करते हैं, दोबारा से इधर आ जाते हैं डेटा में, डेटा में आने के बाद पाइवट टेबल, दोबारा से हमने वही डेट रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल्स A1 से S1991, एग्जिस्टिंग शीट इस वाली सेल से हमें करना है तो हम ये सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, और ओके करते हैं क्रिएट। अब देखिए, अब हम इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार हमें फ्रेंड्स स्टेट वाइज जो है वो डिटेल निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, रोज में तो हम ले लेंगे डेस्टिनेशन, और वैल्यूज में हम ले लेंगे वही टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST,
इनवॉइस अमाउंट और टीसीएस। तो देखिए दोस्तों, अब इधर कितना अच्छा हो गया, इधर स्टेट वाइज बाइफर्केशन हो गया कि आंध्र प्रदेश में हमारी कितनी सेल हुई है, अरुणाचल प्रदेश में हमारी कितनी सेल हुई है, आसाम में हमारी कितनी सेल हुई है, नागालैंड में हमारी कितनी सेल हुई है, और इस तरीके से हमारा ग्रांड टोटल जो आ चुका है। और अब देखोगे इधर जो ग्रांड टोटल आया है और इधर जो ग्रांड टोटल आया है वो मैच भी करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हमने ये कर लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इधर हम GSTR 3B का एनालिसिस कर रहे हैं, और GSTR 3B के एनालिसिस में पहले मैं इधर मर्ज कर देता हूँ इसे, और मर्ज करने के बाद इसे कलर कर देता हूँ ब्लू। और GSTR 3B के एनालिसिस में बेसिकली हमें चाहिए होता है इंटर स्टेट B2C सप्लाइज ओनली। हमें क्या चाहिए होता है? इंटर स्टेट B2C सप्लाइज, मतलब इसमें B2C और B2B दोनों होंगी। अब हमारे केस में तो हमने B2B एंड में ली थी बस एक डमी पर्पस के लिए, लेकिन नॉर्मल केस में तो आपके पास B2C सेल भी होगी और B2B सेल भी होगी। अगर आप ऑफलाइन भी सेल करते हो तो B2B सेल कर सकते हो, तो उस केस में आपको दोनों इनवॉइसेस होंगी। तो फ्रेंड्स उस केस में हमें इधर लगाना होगा फिल्टर। अब हम सीख लेते हैं कि इधर फिल्टर कैसे लगाते हैं। मैं इधर इंसर्ट कर देता हूँ दो रो पहले। अब देखिए, फिल्टर लगाने के लिए इधर गूगल शीट में एक स्पेशल फिल्टर है जिसे हम स्लाइसर बोलते हैं। तो इधर आप आ जाइए इधर डेटा वाले मेन्यू ऑप्शन में, और इसके अंडर आता है स्लाइसर। तो जैसे ही मैं इधर स्लाइसर कर रहा हूँ तो ये पूछ रहा है हमें स्लाइसर किस पे लगाना है। तो हमें सेल्स वाले A1 से S1991 वाले डेटा पे स्लाइसर लगाना है, और इसे ओके कर दीजिए। और ओके करने के बाद इधर बोल रहा है सेलेक्ट कॉलम फर्स्ट, तो हम कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें एक तो हमें लगाना है पीरियड पे, और एक हमें लगाना है, पहले एक ये फिल्टर लगा लीजिए। मैं अभी आपको बताता हूँ इधर पीरियड में क्यों लगाया है मैंने फिल्टर। इसी तरीके से एक और स्लाइसर जो है वो इंसर्ट कर लीजिए, और एक और स्लाइसर इंसर्ट करने के बाद इधर A1 से S1991 ले लीजिए, और कॉलम में आप सेलेक्ट कर लीजिए नेचर। तो इधर हमने नेचर भी सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैं इधर क्या करता हूँ B2C करता हूँ, तो बेसिकली जितने भी B2C इनवॉइस होंगे सिर्फ उन्हीं का डेटा आ जाएगा। और क्योंकि हमारे वाले डेटा में सिर्फ एक ही B2B इनवॉइस था, देखिए मैं अभी B2B करके दिखाता हूँ तब आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। देखिए हमारे वाले डेटा में हमने सिर्फ एक लास्ट डमी इनवॉइस डाला था B2B का, ताकि आपको क्लियर हो सके सिर्फ उसी का डेटा आ गया है। और जब हम इधर B2B को अनटिक करके B2C करेंगे तो सारा B2C का डेटा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस तरीके से काम करना है, आप समझ रहे हैं। और देखिए, अभी तो हमने सिर्फ अप्रैल का डेटा लिखा है, अब उसके बाद जब मई खत्म हो जाएगी तो आप जून में मई का एनालिसिस करोगे। तो आपका मई के लिए ऐसा नहीं है कोई और शीट बनानी है, इसी के नीचे डेटा फिल करना है। और जब आप इधर एनालिसिस करोगे तो पीरियड में आप इधर अप्रैल की जगह मई सेलेक्ट कर लेना, तो सिर्फ मई का डेटा आ जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, बहुत ही काम आसान होने वाला है आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ITC। ITC होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसके लिए हम परचेज वाले शीट को रेफर करेंगे। तो इधर हम एक और जो है पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं, और पाइवट टेबल क्रिएट करने के बाद जो सोर्स है इस बार हम परचेज की लेंगे। तो परचेज में बेसिकली हम कहां से कहां तक लेंगे, आप परचेज में इधर डेटा ले लीजिए A1 से L12 तक, और इधर मैंने ये ओके कर दिया है। और ओके करने के बाद आप वापस से इधर आ जाइए, और वापस से इधर आने के बाद एग्जिस्टिंग शीट कर दीजिए, और इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए, क्योंकि हमने इधर परचेज का डेटा लिया है। तो इधर अब आप रोज में ले लीजिए नेचर, और इधर वैल्यूज में ले लीजिए IGST, फिर CGST और फिर SGST। तो बस फ्रेंड्स, और इधर हम बेसिकली दोबारा से इसकी भी हेडिंग डाल देते हैं। इधर हम क्या करते हैं, इधर हम मर्ज कर लेते हैं सेल्स को, और मर्ज ऑल करने के बाद इधर हम ब्लू कलर करके इधर हम लिख देते हैं ITC। तो फ्रेंड्स, अगर आप बेसिकली GSTR 3B या 1 आपने कभी GST के पोर्टल पे देखा होगा, तो जो जो कॉलम से आप उससे रिलेट कर पा रहे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो अभी मैं आगे आपको समझाने ही वाला हूँ हम इस टाइप से कॉलम क्यों बना रहे हैं। तो इधर मैंने ITC बना दिया बेसिकली। अब देखिए, हमारा जो टोटल टैक्स है वो ये इन तीनों का सम हो जाएगा, ये इनपुट टैक्स हमें जो है वो क्लेम करना है। तो इस तरीके से हमने GSTR 3B का एनालिसिस कर लिया। अब आप आ जाइए GSTR 1 के एनालिसिस पे। तो GSTR 1 के एनालिसिस में सबसे पहले आता है B2B इनवॉइस डिटेल्स। तो दोबारा से हम वही इधर पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं, इधर वही सेल्स का डेटा ले लिया, सेल्स का डेटा लेने के बाद एग्जिस्टिंग शीट, और इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, इधर क्रिएट कर दिया। रोज में ले लेंगे आप इधर GSTN, और इधर वैल्यूज में आप ले लेंगे वही टैक्सेबल अमाउंट, IGST, CGST, SGST और इनवॉइस अमाउंट। तो देखिए, इधर अभी हमने एक सिर्फ डमी इनवॉइस लिया था जिसका हमने GSTN लिख दिया था, इसे मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर लगे ये।
देखिए हमारा GSTN एक नंबर, हमने जो एक B2B डमी इनवॉइस लिया था उसका GSTN नंबर आ गया, और इस तरीके से इधर NA आ गया बाकी सब के लिए, क्योंकि हमने बाकी सब में NA लिखा है, सिर्फ एक हमने B2B इनवॉइस लिखा है। और इधर हम क्या करेंगे, अब इधर वही फिल्टर लगा देंगे। तो देखिए इधर हम दोबारा से वही स्लाइसर क्रिएट कर देते हैं, और स्लाइसर क्रिएट करने के बाद इधर हम क्या कर देंगे, नेचर पे लगा देंगे, और नेचर को हम इधर इस वाले फिल्टर को इधर ऊपर ड्रैग कर दिया, और इधर हम सिर्फ B2B सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने इधर B2B सेलेक्ट किया, सिर्फ हमारा B2B इनवॉइस डिटेल आ चुकी हैं। तो ये मैं कर देता हूँ B2B इनवॉइस डिटेल्स, ठीक है, और इसको मैं इधर ड्रैग कर देता हूँ। और जैसे हमने उधर भी एक और स्लाइसर लगाया था पीरियड वाला, इधर एक और स्लाइसर लगा देता हूँ, और इधर स्लाइसर लगाने के बाद ये भी बेसिकली हमारी सेल्स पे ही एप्लीकेबल होगा। और इधर हम स्लाइसर में इधर हम पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं, और पीरियड सेलेक्ट करने के बाद इधर हमारा अभी अप्रैल मंथ का काम कर रहे हैं, तो इधर हम पीरियड में सेलेक्ट कर लेंगे अप्रैल मंथ, जो कि बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से अब अगर आप GSTR 1 में देखोगे तो उसके बाद इधर आता है नेक्स्ट आएगा इधर फ्रेंड्स एक और पाइवट टेबल जो है हम क्रिएट कर लेते हैं। ये सेल्स की आ गया, एग्जिस्टिंग शीट कर दिया, और इधर हमने ये वाला सेल जो है सेलेक्ट कर लिया है, ओके क्रिएट, और इधर भी वही डेस्टिनेशन लोकेशन। अगर एक और आपको करना पड़ेगा रेट, और फिर इधर वैल्यूज में आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट IGST। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो मैं पाइवट टेबल बना रहा हूँ वो उस हिसाब से बना रहा हूँ जिस हिसाब से हमें GST पोर्टल पे काम आने वाली है। मतलब हमें GSTR 1 में जो जो टेबल फिल करने होते हैं, और GSTR 3B में जो जो टेबल फिल करने होते हैं फाइल करने के लिए, उस हिसाब से मैं वो टेबल बना ले रहा हूँ, ताकि हमारा काम बहुत आसान हो जाए। बस हमें उधर जाके डेटा को सिर्फ इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट करना रह जाए। तो इधर मैंने इस तरीके से कर लिया है। तो देखिए इधर हमारी एक ही सेल है B2B वाली, लेकिन अगर हम इधर करते हैं B2C तो हमारी सारी सेल आ जाएगी। देखिए इधर सारी सेल आ गई है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से इधर हमारा स्टेट वाइज और रेट वाइज दोनों तरीके से आ गए। जैसे आंध्र प्रदेश में अगर रेट 0 है तो कोई सेल नहीं है, 12 है तो इधर टैक्सेबल अमाउंट 204.46 है, और 18 है रेट तो 33147 है। इस तरीके से कंप्लीट डिटेल आ गई जिस हिसाब से हमें GSTR 1 में चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स इधर मैं मर्ज कर देता हूँ, और मर्ज करने के बाद इधर मैं इंटर स्टेट P2C डिटेल्स कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हमारा बस एक और पाइवट टेबल रह गया है, जो कि है HSN वाइज समरी। तो इधर हम एक और पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं, पाइवट टेबल, इधर वही फिर दोबारा से वही सेल्स का डेटा सेलेक्ट कर लिया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप जैसे इधर आप ये आपने सेल्स का डेटा इधर आ रहा है A1 से S1991, अगर आप सेल्स के डेटा में और कुछ ऐड करते हैं तो इधर आपको पाइवट टेबल में जाकर भी उसकी रेंज जो है एक्सटेंड करनी पड़ेगी। कहने का मतलब इधर अभी S1991 तक है, और अगर आप डेटा और बढ़ा देते हैं तो हो सकता है वो S2000 तक पहुंच जाए, S2030 तक पहुंच जाए, तो इधर आपको वो चेंज करना पड़ेगा, वरना पाइवट टेबल में जो है सिर्फ S1991 तक ही डेटा लेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इधर मैंने ले लिया है, और अब हमें HSN वाइज समरी करनी है। तो इधर मैं ले लेता हूँ HSN, और इधर मैं वैल्यूज में वही सब ले लेता हूँ, टैक्सेबल अमाउंट, IGST, CGST, SGST और इनवॉइस अमाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। और इधर मैं लिख देता हूँ, कलर कर दिया, इधर मैंने मर्ज कर दिया, और इधर लिख देता हूँ मैं HSN wise details। अब फ्रेंड्स हम जैसे ही इस पाइवट टेबल में चेंज करेंगे तो इन तीनों ही डेटा में चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे देखिए इधर मैं B2B करता हूँ, B2C हटा देता हूँ, तो देखिए इधर तीनों ही टेबल्स में चेंज हो गया है। इसी तरीके से मैं इधर हटाता हूँ और B2C कर देता हूँ, तो इस तरीके से इधर भी चेंज हो गया है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, GSTR 3B में जब हमने 3 टेबल बनाई थी तो ये दोनों टेबल तो सेल्स के ऊपर थी, लेकिन इधर ये जो टेबल थी वो परचेज के ऊपर थी। लेकिन हमने इधर जो ये पाइवट टेबल बनाया है वो सिर्फ सेल्स के बेसिस पे बनाए, ना कि परचेज के बेसिस पे। तो इधर अब हम एक और स्लाइसर जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो इधर मैं डेटा पर गया, स्लाइसर, और इस बार फ्रेंड्स हम जो डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे वो परचेज वाली लेंगे। मतलब परचेज A1 से L12 तक वाली रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है, और ये हमने इधर कॉलम में सेलेक्ट कर लिया है मंथ। तो फ्रेंड्स हमें जिस मंथ का देखना है, जैसे अभी अप्रैल का ही है सिर्फ, तो इधर अप्रैल का ले लेंगे। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मंथ इधर हम परचेज वाली शीट में मई का डेटा डालेंगे, तो इधर अब जब हम
एनालिसिस करेंगे तो इधर हम मंथ में मे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इधर स्लाइसर क्रिएट कर लेंगे। तो बस फ्रेंड्स, अब हमने इधर GSTR 1 का भी एनालिसिस कर लिया है और GSTR 3B का भी एनालिसिस कर लिया है। और अब फ्रेंड्स काम बहुत ही आसान है। अब आपको क्या करना होगा, अपने GST पोर्टल में लॉगिन करना होगा। तो इधर आप अपने GST के क्रेडेंशियल्स डाल के GST पोर्टल में लॉगिन कर लीजिए और इधर ही कैप्चा डाल दीजिए और इसके बाद लॉगिन कर लीजिए। एक बार आप लॉगिन करोगे तो इस तरीके से जो है डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको जाना है सीधे रिटर्न डैशबोर्ड पे। तो ये रिटर्न डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब इधर फाइनेंशियल ईयर में आप 2021-2022 सेलेक्ट कर लीजिए। क्वार्टर में, क्योंकि क्वार्टर वन है तो इधर क्वार्टर वन ही सेलेक्ट कर लेंगे। और पीरियड में हम सेलेक्ट कर लेंगे अप्रैल, क्योंकि हम अप्रैल की GST रिटर्न फाइल कर रहे हैं मई मंथ में। तो इधर हम सर्च करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर आपको पहले GSTR 1 फाइल करनी है, फिर आपको GSTR 3B फाइल करनी है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी मंथ की GSTR 1 फाइल करने की लास्ट डेट होती है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब अगर हमें अप्रैल की GSTR 1 फाइल करनी है तो उसकी जो लास्ट डेट होगी वो 11th ऑफ मे होगी। इसी तरीके से GSTR 3B फाइल करने की लास्ट डेट 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। मतलब अप्रैल की हमें GSTR 3B 20th ऑफ मे से पहले पहले करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आपको ये डेट जो है वो पता होनी चाहिए। अब देखिए इधर जो है GSTR 1 और GSTR 3B आ गया है। अब आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया GSTR 1 फिल करना है, तो आप इधर कर दीजिए प्रिपेयर ऑनलाइन। और ऑनलाइन आने के बाद देखिए अब इस तरीके से ये आ गया है। अब फ्रेंड्स इधर सबसे पहले आपको B2B इनवॉइसेस फिल करने हैं। तो B2B इनवॉइसेस आप कैसे फिल कर सकते हैं, आप इसे ओपन कीजिए और देखिए इधर नो इनवॉइसेस टू बी डिस्प्लेड आ रहा है। इसे आप ऐड डिटेल कर दीजिए और आप इधर GST कंप्यूटेशन वाली शीट पे आके GSTR 1 के एनालिसिस पे आ जाइए। और GSTR 1 के एनालिसिस पे आने के बाद आप इधर से सिर्फ B2B सेलेक्ट कर दीजिए। और पीरियड में तो अप्रैल सेलेक्टेड है ही है। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको पता है जब हमने डेटा अमेजन और फ्लिपकार्ट से देखा था इस सेलर के लिए, तो अप्रैल के मंथ में कोई भी B2B इनवॉइस नहीं थी, सिर्फ एक डमी इनवॉइस थी। तो आपको बता देता हूँ आपको करना क्या होगा। आपको इधर उस B2B इनवॉइस का जो भी GSTIN है वो फिल करना है। इधर रिसीवर नेम आ जाएगा उसका, जो भी इनवॉइस नंबर है, जैसे जो इनवॉइस नंबर हमें अमेज़न दे रहा है वो इनवॉइस नंबर फिल करना है। और उसके बाद इनवॉइस डेट फिल करनी है और इनवॉइस वैल्यू फिल करनी है और इसे सेव कर देना है। इस तरीके से आपको सबसे पहले सभी B2B इनवॉइसेस जो है वो फिल कर देनी है। और जब आप एक बार सभी फिल कर दोगे, इसे सेव कर दोगे, तो इधर बैक करोगे तो आप देखोगे जो इसका टोटल है वो इधर से मैच करना चाहिए जो इधर B2B इनवॉइस डिटेल वाले टेबल में आएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट हो तो आप वो इस वाले टेबल में फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पहले ये वाला कॉलम फिल करना है, फिर इधर 9B फिल करना है। नॉर्मली ई कॉमर्स सेलर के केस में लार्ज इनवॉइसेस नहीं होती है। जिनकी जो ऑर्डर वैल्यू 2.5 लाख रुपीज से ज़्यादा होती है वो लार्ज इनवॉइसेस कंसिडर की जाती है। तो ई कॉमर्स के केस में इतनी हाई वैल्यू इनवॉइसेस नहीं होती हैं, इस वजह से ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और होगा तो आप देख सकते हो। आपको इधर B2B इनवॉइसेस फिल करनी है, ये रजिस्टर्ड क्रेडिट नोट और डेबिट नोट फिल करने हैं। और फिर उसके बाद आपको इधर मेन जो फिल करना है वो करना है B2C इनवॉइसेस। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इधर अमेंडेड वाली टेबल भी आती है। अगर आपने पिछले महीने में कुछ गलती कर दी और आपको वो अमेंड करना हो तो वो भी आप इधर कर सकते हो। अब इधर आपने B2B की डिटेल्स भर दी, इधर आपको B2C की डिटेल्स भरनी है। तो B2C की डिटेल आप किस तरीके से भर सकते हो, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आप दोबारा से टेबल पे आ जाइए और इस बार आप इधर B2B हटा दीजिए और B2C सेलेक्ट कर लीजिए और इस वाले टेबल पे आ जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इधर B2C डिटेल्स आ गई हैं। इधर बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इधर मैंने लिख दिया इंटरस्टेट B2C डिटेल, लेकिन इधर आपको सभी B2C डिटेल चाहिए, ना कि सिर्फ इंटरस्टेट चाहिए। तो इधर जैसे ही हमने इधर किया, इधर B2C डिटेल आ गई है, तो इधर एक एक करके आपको सभी की डिटेल फिल कर देनी है। कैसे करनी है, इधर आप ऐड डिटेल करोगे। ऐड डिटेल करने के बाद आपको, जैसे ये स्टेट है आंध्र प्रदेश, तो मैं इधर आंध्र प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आ रहा है टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू पहले हम इधर 12 वाला रेट का ले लेते हैं, तो टैक्सेबल वैल्यू 204.46। तो इधर हम लिख देते हैं 204.46 और इस तरीके से हम रेट में सेलेक्ट कर लेते हैं 12, क्योंकि हमारा रेट 12 है, और इसे हम सेव कर देते हैं। इधर लिख रहा है इज द सप्लाई एलिजिबल टू बी टैक्स एट अ डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसे मैंने अनटिक कर दिया और इसे हम सेव कर देते हैं। इसी तरीके से फिर आंध्र एड डिटेल करेंगे और फिर आंध्र प्रदेश का हम, इधर मैंने आंध्र प्रदेश दोबारा से सेलेक्ट कर लिया और इस बार जो है रेट हम लेंगे 18 का। और इधर मैं टैक्सेबल वैल्यू फिर से देख लेता हूँ क्या है। टैक्सेबल वैल्यू है 331.47। आप देखोगे जैसे ही आप ये लिखोगे ना 331.47, तो
तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट जो भी इंटीग्रेटेड टैक्स बन रहा है 5966.54 जो कि इधर मेंशन होगा वो अपने आप ही इसने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप एक एक करके जो है, इधर भी हमारा ही हट कैसे गया, एक मिनट रुकिए, अच्छा मैंने वो हटाया था, एक मिनट मैं इसे भी सेव कर देता हूँ। 12 में है 204.26, ये मैंने करके सेव कर दिया। तो देखिए इस तरीके से हमारी डिटेल आ गई है, और इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सभी डिटेल जो है वो फिल कर देनी है एक एक करके सभी स्टेट्स की। एक बार आप ये सब फिल कर देंगे, मतलब इस वाले कॉलम से आपको ये सारा डेटा फिल कर देना है, मतलब आंध्र प्रदेश का 12, 18, जीरो में कुछ है ही नहीं, जीरो टैक्स रेट पे हमारा कोई भी सेल है ही नहीं है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश का 18 है, आसाम का 18 है, इस तरीके से आप ये सारा कवर कर लेंगे। और सारा कवर करने के बाद आप देखोगे आपका जो B2C वाला कॉलम भी फिल हो जाएगा, B2B वाला भी फिल हो जाएगा, इधर क्रेडिट नोट डेबिट नोट अगर कोई होंगे तो वो भी फिल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आता है HSN वाइज समरी, आप इधर HSN वाइज समरी भी फिल कर सकते हो क्योंकि इधर हमने समरी निकाल ली है HSN वाइज समरी, तो आप इधर इसे फिल कर सकते हो। लेकिन HSN समरी सभी टैक्स पेयर्स के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर होता है ईयरली तो उस केस में आपको HSN वाइज समरी जो है वो मैंडेटरी होता है फिल करने का। तो वो एक बार आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि कितना टर्नओवर पे होता है, लेकिन अगर आपकी सेल कम है तो HSN वाइज समरी जो है वो ऑप्शनल होता है। बस यही सारे कॉलम है जो कि हमें फिल करने हैं, बाकी सब जो ये कॉलम्स आ रहे हैं वो हम ई कॉमर्स सेलर्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होते, तो हमें फिल नहीं करने। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी में डाउट है तो आप प्लीज़ किसी प्रॉपर CA से कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं बेसिकली आपको एक नॉर्मल ई कॉमर्स सेलर के हिसाब से वीडियो कंसिडर करके बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप कहीं और ऑफलाइन सेलिंग वगैरह करते हो तो एक बार अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी कॉलम में तो प्लीज़ आप उसे कंफर्म कर सकते हैं। एक बार जब आप सभी कॉलम्स फिल कर लेंगे जो कि मैंने आपको इधर बताए हैं, B2B वाले, क्रेडिट नोट डेबिट नोट वाले और ये B2C वाले, जब आप ये सब कॉलम फिल कर लेंगे फिर उसके बाद आप फ्रेंड्स इधर सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद इधर ऑप्शन आ जाता है फाइल रिटर्न का, और फाइल रिटर्न करके अगर आप बेसिकली प्रोप्राइटरशिप हो तो फिर तो आप उस केस में आप अपने OTP से भी इधर रिटर्न फाइल कर सकते हो, और अगर आपकी बेसिकली लिमिटेड लाइबिलिटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस केस में DSC होगा आपके पास, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये प्रोसेस होता है GSTR 1 रिटर्न फाइल करने का। एक बार आप GSTR 1 रिटर्न फाइल कर दोगे उसके बाद आप इसी तरीके से GSTR 3B वाली रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से आप ये सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप इधर आ जाइए, प्रिपेयर ऑनलाइन कर दीजिए। इधर लिख रहा है डू यू वॉन्ट टू फाइल निल रिटर्न, आप इधर नो लिख दीजिए और इधर नेक्स्ट कर दीजिए। और एक बार जब आप GSTR 1 फाइल कर दोगे तो इधर फॉर्म स्टेटस में फाइल आ जाएगा, इसे आप क्लोज कर दीजिए। और क्लोज करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अभी तो सबसे पहले आ रहा है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चेंज सप्लाईज, तो देखिए इधर हमने GSTR 3B का भी एनालिसिस कर रखा है, आप इधर आ जाइए और GSTR 3B के एनालिसिस में आपको इधर सिर्फ टोटल मेंशन करना है। तो इधर देखिए इधर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, तो बेसिकली इधर ये पूरी टैक्सेबल वैल्यू, सम ऑफ IGST, सम ऑफ CGST, सम ऑफ SGST, ये सब आप इधर मेंशन कर दीजिए और इसे कंफर्म कर दीजिए। जैसे मैं इधर आपको करके दिखा देता हूँ, 5855684.96, इसी तरीके से IGST होके 90222.45, इसी तरीके से CGST जो हो गया वो हो गया 6886.31, और इसी तरीके से ये भी हो गया और इसे कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप कंफर्म करोगे इस तरीके से ही डिटेल आ जाती है। फिर आता है इंटर स्टेट सप्लाईज, तो जैसे हमने भी GSTR 1 में देखा था उसमें तो आपको स्टेट वाइज और रेट वाइज दोनों तरीके से लिखना होता है, और उसमें आपको सभी स्टेट्स का लिखना होता है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें एक तो सिर्फ आपको स्टेट वाइज ही लिखना होता है, रेट वाइज आपको इधर अलग अलग एंट्रीज नहीं करनी है, और दूसरा इधर आपको सिर्फ इंटर स्टेट लिखना है, मतलब ये जो सेलर है बेसिकली वो यूपी का है, तो आपको उत्तर प्रदेश वाला स्टेट, अगर ये उत्तर प्रदेश की जो भी इसकी सेल होगी वो इसकी इंट्रा स्टेट सेल हो जाएगी, मतलब सेम स्टेट में सेल होगी, तो वो आपको GSTR 3B वाले इस कॉलम में मेंशन नहीं करनी है। तो जैसे मैं आपको इधर दिखा देता हूँ GSTR 3B एनालिसिस में, इधर पीरियड में हमने अप्रैल ले लिया और इधर B2B B2C हमने दोनों सेलेक्ट कर लिया, और B2B B2C सेलेक्ट करने के बाद ये सेल आ गई है। अब देखिए इधर उत्तर प्रदेश की जो सेल है इसको आप रेड से मार्क कर सकते हो। क्यों मार्क कर रहा हूँ? क्योंकि ये आपको फिल नहीं करनी है, इधर आपको बस एक एक करके सभी फिल करनी है। जैसे पहले आ गया आंध्र प्रदेश, तो आप आंध्र प्रदेश इधर से सेलेक्ट कर लोगे और टैक्सेबल वैल्यू में ये आ रहा है 33504.47, तो इधर लिख दोगे 33504.47, टोटल टैक्सेबल वैल्यू लिख दिया, और इधर इसी तरीके से आप अमाउंट भी लिख दीजिए 6018.53, तो इधर लिख दीजिए 6018.53,
तो जैसे ही आप इधर लिखोगे आप इसे ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ऐड कर करके इसे कंफर्म कर सकते हो। एक बार आप कंफर्म कर दोगे तो आपने इंटरस्टेट वाला डेटा भर लिया और इधर आपने टोटल टैक्सेबल सप्लाइज भर दिया। और नेक्स्ट आता है एलिजिबल ITC। देखिए एलिजिबल ITC आपकी बेसिकली ये है, लेकिन इसे फिल करने से पहले इधर ऑल अदर ITC वाले में तो आप ये भर दीजिए जो भी सारी परचेज का डेटा है, और डेबिट नोट आप बेसिकली इसमें भर सकते हैं जो ITC रिवर्स हो गया इसके अदर्स वाले कॉलम में, तो जो नेट आ जाएगा वो इधर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको इधर फिल करने से पहले एक बार GSTR 2A से कंपेयर कर लेना है। मेरे को लगता है आपको GSTR 2A और 2B का कंसेप्ट पता होगा। GSTR 2B में बेसिकली आप चेक कर सकते हो कि जो सभी परचेज आपने ITC के थ्रू क्लेम की है वो बेसिकली सामने वाली पार्टी ने उसे अपनी सेल्स में दिखाया है या फिर नहीं दिखाया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ, जैसे आपने बोला कि फ्लिपकार्ट ने हमें कमीशन इनवॉइस दिया है और उस पर जो भी टैक्स बनता है उसको आप ITC के थ्रू क्लेम कर रहे हो, तो बेसिकली जो कमीशन इनवॉइस फ्लिपकार्ट ने आपको दिया है वही GST पोर्टल पर भी अपलोड किया होगा, तो वो आपके GSTR 2A और 2B में रिफ्लेक्ट होगा। तो इधर आपको ध्यान होगा जब मैंने इधर परचेज वाली शीट बनाई थी तो इधर लिखा भी था एज पर GSTR 2A और 2B, तो एक बार आप इसे कंपेयर कर लीजिएगा और इधर सब में ओके आ जाए तो उसके बाद फिर आप इधर से IGST जो आपने इधर फाइंड आउट किए हैं वो लिख देना। जैसे मैंने परचेज में इधर मैं लिख देता हूँ 12637.28, इधर IGST लिख दिया, इधर लिख देता हूँ 4661.89 और इधर लिख देता हूँ 4661.89। और इसी के बाद इधर आप डेबिट नोट में -352.38, तो इधर हम अदर्स में लिख देंगे जो कि ITC रिवर्स हो गई है 352.38। इसी तरीके से इधर आप लिख दोगे 104.99। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से जब आप लिख देते हो तो देखिए अब इधर नेट आ गया 12284 4556 54556 12284। बस तो अब इसे कंफर्म करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, अब आप इधर सेव करके प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने जो सेल्स का डेटा बेसिकली इसमें डाला है उसके हिसाब से आपकी GST पेएबल ज़्यादा बनेगी और आपने क्लेम कम की होगी तो उस केस में आप जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट करके वो GST पे कर सकते हैं और आपकी जो उसके बाद आप GSTR 3B भी फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको पूरा फाइलिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इसमें कुछ डेटा और भी ऐड करना है, क्योंकि ये सेलर ऑफलाइन भी सेल करता है तो उसकी वो इनवॉइस भी ऐड करनी है। लेकिन मैं आपको बेसिकली बस सिखाना चाहता था कि अगर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल करते हो तो आपको किस तरीके से ट्रीट करना है। और मुझे लगता है कि अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था तो आपको बहुत कुछ आ गया होगा, और आपको थोड़ा बहुत आता था तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसलिए आप एक दो बार और इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस बिल्कुल यही है कि इस तरीके से आपको GSTR 1 और 3B फाइल करनी होती है। आपको बेसिकली ये समरी बना ली और इस समरी के हिसाब से आपको फिल करना है डेटा। एक तो आपको डेटा फिल करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ इस कॉलम में पूछिए सिर्फ वही भरें और कुछ भी नहीं भरनी। मतलब अगर आपसे B2C डिटेल पूछी है तो B2C ही फिल करनी है, B2B की नहीं आनी चाहिए। अगर इंटरस्टेट पूछी है तो आपको उत्तर प्रदेश की फिल नहीं करनी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, एक बार आप फिल कर देंगे तो इसका पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से तो आप GSTR 1 और 3B फाइल कर सकते हो। अब इसके बाद एक और रिटर्न आती है TCS रिटर्न। तो TCS रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो और मैं आपको बता देता हूं। इधर आप सर्विसेज में जाओगे, सर्विसेज में जाने के बाद इधर रिटर्न में जाओगे और आता है फिर TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। और देखिए मैं आपको इधर बता देता हूं आप वो कैसे करोगे। आप इधर पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए 21-22 और इधर अप्रैल सेलेक्ट कर लीजिए, सर्च कीजिए और इधर आता है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड, इसे प्रिपेयर ऑनलाइन कर लीजिए। और अब आपको इधर TCS जो क्रेडिट फ्लिपकार्ट और अमेजन ने दिया है उसकी रिटर्न फाइल करनी है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको कैसे चेक करनी होती है। एक बार इसे ओपन कर लीजिए तो देखिए इधर अभी अमेजन की तरफ से नहीं आया है डेटा, क्योंकि बेसिकली जब वो अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे उसके बाद ये डेटा रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी हो सकता है अमेजन ने, जब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जब तक अमेजन ने बेसिकली रिटर्न फाइल ना की हो इस वजह से ये डेटा नहीं आया है। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ आपको TCS रिटर्न कैसे फाइल करनी है। जैसे फ्लिपकार्ट के केस में मैं आपको समझा देता हूँ। आपको ने देखा होगा इधर GSTR 3B में हमने इधर एनालिसिस किया था, तो मैंने इधर सम ऑफ टैक्सेबल अमाउंट, सम ऑफ IGST, सम ऑफ CGST, सम ऑफ SGST, सम ऑफ इनवॉइस अमाउंट और लास्ट में कॉलम लिया था सम ऑफ TCS। तो आप देख रहे हो सम ऑफ TCS हमारा क्या था, आपको ध्यान होगा शुरुआत में मैंने बताया था 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू होता है। इधर टैक्सेबल वैल्यू है 5591.26.63, तो इधर TCS बन गया 5591.27, मतलब 1%। और यही चीज इधर आ रही है नहीं आ रही, ये हमें क्रॉस चेक करना है। तो देखिए इधर 559126
इधर आप देखिए 559126 और इधर 559126। अब देखिए ये डेटा मैच कर रहा है, इट मींस कि आपने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। अगर हमारे डेटा में कोई गलती होती, मिसमैच होता, तो इधर डेटा कभी भी मैच नहीं करता, मतलब सम ऑफ टैक्सेबल अमाउंट मैच कर गया। और अगर आप इन तीनों का भी टोटल देखोगे 4839.36, 375.95, 375.95, इन तीनों का टोटल देखोगे तो वो भी आपका 5591.27 के इक्वल ही आएगा। तो जब आपका ये मैच कर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो काम किया है वो बिल्कुल सही किया है, आपका डेटा इधर उधर नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपने एक बार देख लिया कि TCS आपका बिल्कुल सही हुआ है तो इसको आप सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन अभी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि एक बार अमेजन का डेटा और आ जाएगा तब मैं उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। और एक बार एक्सेप्ट करने के बाद आप इसे भी इधर प्रोसीड टू फाइल करके डिजिटल सिग्नेचर से या OTP के थ्रू फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको TCS रिटर्न फाइल करनी है, GSTR 1 फाइल करनी है और GSTR 3 भी फाइल करनी है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको GSTR 1, GSTR 3B और TCS रिटर्न कैसे फाइल करनी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो पूरी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, मैंने हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में, फिर भी अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई हो और आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट में। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई ज़रूर करने वाला हूँ। और अगर आप चाहो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली कोई भी ऑनलाइन सेलिंग रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो। अब अगर आपको समझ में आ गया हो ये प्रोसेस तो मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे सिर्फ समझाने से ही कुछ मतलब नहीं है, आपको भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। और जिन सेलर्स को GST के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, मुझे उम्मीद है उनको तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ही वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।